हेलो फ्रेंड्स, आज के स्टूडियो के अंदर मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि जो भी आपको संजय सिंह, हेमंत मल्होत्रा, राहुल शर्मा जो साइबर क्राइम बनकर कॉल करते हैं, जो आपको यूट्यूबर बनकर कॉल करते हैं, उनके व्हाट्सएप डीपी पर साइबर क्राइम का लोगो, पुलिस वालों का लोगो या व्हाट्सएप का लोगो रहता है, प्रोफाइल फोटो लगाते हैं, तो वो लोग रियल है या फेक है, उनकी जो आईडी आपको भेजते हैं वो किस तरह से हम पहचान सकते कि रियल आईडी है या फेक आईडी है, थोड़ा इसके अंदर दिमाग लगाना होगा आपको, तो उसकी पूरी जानकारी आपको मैं प्रूफ के साथ देने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल और आप देख रहे राहुल वामले यूट्यूब चैनल, तो आइए शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए हम थोड़ा सा मेरा और जो ब्लैकमेलर के साथ जो भी मैंने कॉल रिकॉर्डिंग हो चुकी थी, बातचीत हो चुकी थी, तो थोड़ा हम दोनों का मैं कन्वर्सेशन आपको सुनाना चाहता हूँ, ताकि आप भी इसके अंदर फंस गए होंगे तो इससे कैसे बाहर आते हैं, ब्लैकमेलर के साथ किस तरह से डील किया जाता है, किस तरह से उसके साथ हम बातचीत कर सकते हैं, वो आपको थोड़ा मिल जाएगा। तो थोड़ा कॉल रिकॉर्डिंग को पहले सुने, बाद में मैं वीडियो के एंडिंग में आपको बताऊंगा कि जो भी आपको आईडी कार्ड भेजते हैं, यूट्यूब का आईडी कार्ड, साइबर क्राइम का आईडी कार्ड, वो फेक है या रियल है, वो कैसे पहचानेंगे। मैं आपकी जेब के लिए पैसे नहीं मांग रहे हो आपसे, आप तो यही जान रहे हैं आपकी जेब के लिए पैसे मांग रहे हो। मैं देखो, आपका वीडियो में कोड फंसा हुआ है, वह कोड आपको ऑफर कराना पड़ेगा। सर, मैं आपको 325 रुपए आपको ट्रांसफर कर सकता हूँ, मेरे पास इससे ज्यादा पैसा नहीं है सर। बहुत भैया देखो, तीन से पच्चीस रुपए का कोड नहीं है इसमें 5,350 रुपए का कोड है। तो सर, मैं आपको 350 रुपए कर देता हूँ, आप कोड खोल दीजिए सर, प्लीज हाथ जोड़ रहा हूँ सर, मेरी रिक्वेस्ट है सर। देखो भैया, ये आप तो ये जान रहे हैं मैं आपकी जेब नहीं। सर, मेरे को आप पे ट्रस्ट है सर, मैं अपनी जेब के लिए नहीं बोल रहा सर, क्योंकि एक्चुअली पिछले मंथ मेरी मम्मी एक्सपायर हुई है और सर मैं भी अभी कोविड से निकला हूँ सर, मेरे पास एक भी रुपया नहीं है, सारा हॉस्पिटल में लग गया सर। तो प्लीज सर, मेरी रिक्वेस्ट है सर, प्लीज सर, प्लीज। तो आई हो फ्रेंड, आपने कॉल रिकॉर्डिंग सुनी होगी, आपको यकीन हुआ होगा कि किस तरह से ब्लैकमेलर के साथ बातचीत करना है। इनसे आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, ये सारे के सारे फ्रॉड है, इनको पैसा नहीं देना है। अगर पैसा दे एक बार तो बार बार पैसों का डिमांड करते हैं और आपका वीडियो भी वो कहीं पर भी डाल देते हैं, मतलब कि मैसेंजर पर डाल देते हैं आपके फ्रेंड को, वहाँ पर ही आपका वीडियो जा सकता है। उसके बाद यूट्यूब ऐसे वीडियो को एक्सेप्ट नहीं करता, उसके बाद फेसबुक ऐसे वीडियो को एक्सेप्ट नहीं करता। फेसबुक यूट्यूब पर चली भी गई तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है, उसका टेंशन मत लो आप, सिर्फ हमें डर है मैसेंजर के अंदर आपके फ्रेंड को भेजने का। तो फ्रेंड्स, आप टेंशन मत लो, आपका भाई आपके लिए तैयार है। मेरा जो कॉलिंग नंबर है उसके ऊपर व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या मुझे कॉल कर सकते हो। मेरे को बहुत सारी कॉल आती है तो मैं ज़्यादा लोगों का कॉल उठा नहीं पाता हूँ, तो बाद में मैं सबको कॉल करता हूँ, टेंशन मत लो। आप सिर्फ एक मिस कॉल देके रखना, मैं आपको बाद में कॉल करता जाऊँगा। तो चलिए अभी जानेंगे कि जो भी हमें आईडी कार्ड भेजते संजय सिंह, हेमंत मल्होत्रा, वो कैसे पहचानेंगे डुप्लीकेट या फेक है। तो फ्रेंड, सबसे पहले मुझे बहुत सारे लोग मेरा जो व्हाट्सएप है उसके अंदर मुझे उनका आईडी कार्ड भेजती है, तो चलो मैं यहाँ पर मेरे फोटोज़ के अंदर जाता हूँ, वहाँ यहाँ पर अदर्स के अंदर व्हाट्सएप बिजनेस, और यहाँ पर व्हाट्सएप बिजनेस जो इमेजेस हैं, और आप यहाँ पर देख सकते कि यहाँ पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, राम पांडे, सारे फेक है। ये सारा जो फोटो है आपको गूगल पे आराम से भेज दिख जाएगा। उसके अंदर यूट्यूब चैनल नेम आज तक KBP, इसे आप पता कर सकते हो, यूट्यूब चैनल नेम आज तक KBP न्यूज़, ये सब फ्रॉड है भाई। और यहाँ पर देखो, ये जो फोटो है इसके अंदर उन्होंने एक ऑफिस दिखाया है, आप गूगल पे चेक करोगे ऑफिस इमेजेस तो इस तरह का फोटो आपको मिल जाएगा। इसके अंदर किधर भी यूट्यूब का बैकग्राउंड में इमेज नहीं लगा। और यहाँ पर दिया है यूट्यूब, ये देखो ये जो YouTube का ऑफिस है वो इंडियन नहीं है, आप यहाँ पर पता कर सकते कि जो ये आदमी है, गोरा गोरा सा आदमी है, वो फॉरेन का YouTube ऑफिस है, इंडिया में YouTube का ऑफिस नहीं है, आप टेंशन मत लो, ये सब फ्रॉड है। उसके बाद ये सीधा सीधा एडिटिंग किया हुआ है, आप यहाँ पर देखो ये लोकेशन का लोगो लगा है, हेमंत मल्होत्रा लिखा है। उसके बाद जो ईमेल आईडी रहती है hemant9067@, उसके बाद gmail.com कुछ लिखा भी नहीं। उसके बाद ये एड्रेस सब एडिटिंग किया हुआ एड्रेस है, यहाँ पर आप देखो www.com यूट्यूब, इसे उसके बाप ने रखा था, यूट्यूब का ऐसा वेबसाइट का एड्रेस नहीं होता, तो इसे पता कर सकते हैं सब डुप्लीकेट है, और इसको देखकर ही पता कर सकते कि सब डुप्लीकेट है। उसके बाद आता है सबसे पहले यहाँ पर जो संजय सिंह, ये सारे का सारा फ्रॉड है। पहली बार आधार कार्ड के अंदर ऐसा कोई फोटो लगाता भी नहीं और ऐसा फोटो दिखाता भी नहीं, तो आप उसका टेंशन मत लो। और यहाँ पर दिया है कि यहाँ पर जो नंबर दिया आधार कार्ड का 12 डिजिट का या 13 डिजिट का,
वो सब फ्रॉड है। ये जो आधार कार्ड नंबर है, आप आधार कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर जाओगे, वहाँ पर डालोगे और तो ये इनवैलिड आधार कार्ड दिखाता है, मतलब कि गलत आधार कार्ड आईडी है, संजय सिंह लिखा है। ये सब फ्रॉड है भाई, इसका टेंशन मत लो। अगर आपको भी संजय सिंह के नाम से फ्रॉड करती है तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है यूट्यूब केयर दिल्ली, इसके अंदर आता है संजय सिंह यूट्यूब केयर दिल्ली। यहाँ पर आप देख सकते कि नेम संजय सिंह यूट्यूब चैनल, और यहाँ पर आप नीचे देख सकते कि सारा ब्लर किया हुआ है। ऐसे किसने यहाँ पर ब्लर किया है, अभी देखो यहाँ पर उसका साइन भी नहीं दिखता, यहाँ पर जो साइन रहता है साइन भी नहीं दिखता, मतलब कि कुछ नहीं दिखता, यहाँ पर सारा ब्लर किया हुआ है, तो आप उसे समझ जाओ। उसके बाद आता है यहाँ पर अपलोडिंग वन वीडियो यूट्यूब, उसने पूरा स्क्रीनशॉट नहीं, सिर्फ इतना स्क्रीनशॉट आपको दिखाते हैं और बोलते कि अपलोड होता है, लेकिन यूट्यूब के अंदर ऐसा गंदा वीडियो कभी अपलोड नहीं होता। हो भी गया तो एक दो दिन में या एक दो घंटे में ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि अगर यूट्यूब के अंदर वीडियो गया तो वायरल होता है, यूट्यूब के अंदर कौन सा भी वीडियो वायरल नहीं होता, सिर्फ अच्छा वीडियो वायरल होता है। ऐसा गंदा वीडियो यूट्यूब कभी प्रमोट नहीं करता, यूट्यूब ऑटोमेटिकली उसको आइडेंटिफाई कर लेगा और यूट्यूब उसको डिलीट कर देगा। और दूसरी बात है, सुनो भाई लोग, यूट्यूब बहुत बड़ा कंपनी है, यूट्यूब किसको कॉल नहीं करता। मैं 4 साल से यूट्यूब के अंदर वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मेरे पास यूट्यूब का नंबर नहीं, यूट्यूब का नंबर किसी के पास नहीं रहता। यूट्यूब को अगर आपको कॉन्टैक्ट करना होगा तो वो उसके पर्सनल, उसका जो ऑफिशियल ईमेल आईडी रहता है यूट्यूब का, वहाँ से आपको मैसेज करता है, ईमेल करता है, कभी भी ज़िंदगी में कॉल नहीं करेगा। और साइबर क्राइम वाले आपको कॉल कभी भी नहीं करते, अभी कॉल भी किया तो कभी ऑनलाइन पैसा नहीं मांगते। अगर साइबर क्राइम को आपको पकड़ना है तो साइबर क्राइम आपसे मांडली नहीं करेगा, आपसे पैसा नहीं मांगेगा, वो डायरेक्टली आपका एड्रेस कहीं पर कहीं से ही ढूंढ कर लाएगा और डायरेक्टली आपके घर पर आकर आपको लेके जाएगा। ये बात सुनो, कौन सा भी पुलिस स्टेशन पुलिस ऑफिसर रहता है, वो आपको पहले फ़ोन करके चेतावनी नहीं देगा या वीडियो डिलीट करने के लिए नहीं बोलेगा, अगर उसको पकड़ने तो आपके घर पर आएगी और पकड़ लेगी। लेकिन ये सारे फ्रॉड है, साइबर क्राइम यूट्यूब के नाम पर फ्रॉड चालू है। टेंशन मत लो, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। लास्ट दिन के लिए बाबा धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।